बुलंदशहर में रविवार सुबह प्राइवेट बस और टाटा पिकअप की भयानक भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट में 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 27 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के बदायूं रोड पर गांव सलेमपुर के पास एक्सीडेंट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों वाहन बेहद तेज रफ्तार में थे, साइड देने के चक्कर में शायद यह हादसा हुआ है। इससे प्राइवेट बस ने पिकअप में जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ ही मिनटों में यहां कई लोगों ने जान गंवा दी। घटनास्थल पर आम लोगों ने जाम लगाया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख और घायलों का तत्काल उपचार देने के लिए निर्देश दिए हैं। देखिए, आज एक मैक्स पिकअप गाड़ी गाजियाबाद से संभल की तरफ जा रही थी, नरोरा की तरफ जा रही थी, और डिवाई से एक बस बुलंदशहर की तरफ आ रही थी। सलेमपुर थाने के पास बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है, और जिसमें कुल 37 लोग घायल हुए थे। उन घायलों में 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई है। 27 लोग घायल हैं, जिनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। हाँ, ये जिला अस्पताल में भर्ती हैं, और वहीं घटनास्थल के पास ही जेपी का हॉस्पिटल है चिट्टा में, वहाँ 9 लोग एडमिट हैं और बाकी लोग यहाँ एडमिट हैं। अभी अलीगढ़ के और संभल के, एक नरोड़ा के रहने वाले हैं। अभी एक जने की पहचान नहीं हुई है।